नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियम्बरा। आज कला दर्शन में देखते हैं वो प्रस्तुति जिसने महिलाओं की आवाज़ को सशक्त किया। देखते हैं आज आवर वॉइस की कुछ झलकियाँ। यानी हमारी आवाज़ के माध्यम से भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना और गुरु पद्मश्री गीता चंद्रन और नाट्य वृक्ष ने मिलकर स्त्रियों की आवाज़ को सशक्त करती एक बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्त्रियों को अगर बांध दिया जाए तो वे हर तरह से संकुचित हो जाती हैं, और अगर वे अपने सारे बंधन तोड़ दें तो आसमां को छूने का हौसला रखती हैं। नमस्कार, आज का कार्यक्रम है आवर वॉइस। 25 साल पहले डॉक्टर मीनाक्षी गोपीनाथ, जो कि विस्कॉम्प की चेयरमैन हैं और जिन्होंने शुरू किया था विस्कॉम्प, जो कि वुमेन पीस वॉर रिकन्सिलिएशन पे काम करता है, 25 साल पहले जब ये इनॉग्रेट हुआ तब हमने एक प्रोडक्शन उनके लिए किया था जो हर वॉइस था, जिसमें हमने द्रौपदी के 18 जो दिन, जो युद्ध के दिन थे, उसमें उनकी जो मनोस्थिति थी उसको लिया था। और कहने का तात्पर्य यह था कि वॉर जो है वो किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, युद्ध से कुछ भी सुलझता नहीं है, बल्कि सभी लॉसेस होती हैं और सब कुछ खोते हैं लोग। तो इसलिए वो प्रोडक्शन एक डांस और पपेट्री के साथ हमने मिलके किया था, और अब 25 साल बाद मीनाक्षी जी ने फिर से मुझे दरख्वास्त किया कि मैं क्या कुछ और कर सकती हूँ। हम लोग दोनों एक लंबी सफ़र तय कर चुके थे अपने अपने प्रोफेशन में, और मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने मुझे फिर से पूछा। और आज की जो एक प्रस्तुति है वो एक डांस थिएटर के रूप में है, जिसमें जो आज के दौर में जो वुमेन, जो स्त्री अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके जूझती है और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको एक बहुत स्टाइलिस्टिक तरीके से दर्शाया गया है। साथ में वॉर के दौरान वुमेन के ऊपर क्या प्रेशर आता है और क्या लॉसेस वो एक्सपीरियंस करती हैं। हाल ही में उन्होंने बताया था कि मुझे कश्मीर में एक पूरा विलेज था जिसमें सारे विडोज़ थे, क्योंकि सारे उनके हस्बैंड्स जो हैं वॉर में या कहीं पे गुजर चुके थे। तो एक पूरा दायित्व उनके ऊपर आता है रीबिल्ड करने का, रिकन्सिलिएशन के का जो है सिलसिला है, तो उसको भी दर्शाया गया है। और ये पूरे प्रोडक्शन को विमेन को एक पानी के स्वरूप माना गया है, पानी को एक मोटिव यूज़ किया गया है। जिस प्रकार से पानी को आप बांध देते हैं तो वो कुंठित हो जाता है और वो अपने तरीके से फ्लो नहीं कर पाता, उसी प्रकार अगर आप वुमेन को एकदम ही सीमित करके, संकुचित करके रख देंगे तो उनकी पूरी पोटेंशियल वो नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं। और क्या होता है अगर वो पिचर, अगर वो मटके को आप फोड़ देते हैं तो क्या नहीं पॉसिबल है। तो यही सब इस पूरे प्रस्तुति का मूल है, और हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स इसको देखें और सोचें, क्योंकि इस पूरे प्रस्तुति का यही उद्देश्य है कि लोग सोचें। अपने व्यस्त ज़िंदगी में कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं कि औरतें क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या मनोस्थिति है, क्या मनो, सब एक मशीन की तरह काम करते हैं, तो थोड़ा सा पीछे हट के पूरे स्थिति को देखें। इसी यही एक मेरे ख्याल से एज एन आर्टिस्ट मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि लोग अपने तरीके से सोचें, अपने संदर्भ में जिस तरीके से महिलाएँ उनके इर्द गिर्द हैं उनके बारे में सोचें। कार्यक्रम का आयोजन 4 अक्टूबर को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया था।
देखते ते। कार्यक्रम का आयोजन विस्कॉम्प ने किया था। यह आयोजन संस्था के 25 साल पूरे होने पर किया गया था। विस्कॉम्प बीते 2 दशक से ज्यादा समय से महिलाओं और युवाओं के साथ दक्षिण एशिया में अमन और शांति के लिए कार्य कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है विस्कॉम्प, वुमेन इन सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पीस। और पिछले 25 साल से हम अमन के को अमल करने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें औरतों का किरदार बनाने का की चेष्टा कर रहे हैं। आवर वॉइस जो आज डिपिक्ट किया जा रहा है, इसके ज़रिए हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि शांति से सब कॉन्फ्लिक्ट सुलझाए जा सकते हैं और इसमें औरतों का बहुत बड़ा किरदार होता है। गीता चंद्रन ने जो इसको क्यूरेट किया है, ये वापस एक पुराने थीम को लेके एक नए जरिए नए झरोखे से कर रही हैं और बहुत सारे डांसर्स के साथ वो एक कलेक्टिव एनर्जी एक्सप्लोर कर रही हैं, जिससे कि विमेन इन पीस बिल्डिंग वो क्या कर सकती हैं जो अभी तक नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हम गीता के नाट्य वृक्ष से जुड़े हुए हैं और हमें लगता है कि विस्कॉम के 25वें साल में यह एक बहुत अच्छा ओमन होगा और हम आगे जाके साउथ एशिया की सभी कंट्रीज़ में ये जो अमन का मैसेज है ये फैला सकेंगे। महिला युद्ध और शांति को केंद्र में रखकर कोरियोग्राफ की गई इस मल्टी लॉग प्रस्तुति को लोगों ने काफी पसंद किया। गिरमिटिया मजदूर जहां भी गए अपने साथ यहां की लोक संस्कृति लोक परंपरा लेकर गए। बीते दिनों 1 दिवसीय गिरमिटिया महोत्सव मनाया गया। आइए देखते हैं लोक परंपरा में इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। सदी के उत्तरार्ध में एग्रीमेंट के तहत भारत से हजारों की संख्या में मजदूरों को मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो, सुरिनाम, फिजी, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में ले जाया गया। ऐसे मजदूरों को नाम दिया गया गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर जिस देश में भी गए अपनी संस्कृति और परंपरा साथ ले गए, जिन्हें उनकी मौजूदा पीढ़ी आज भी संभाल कर रखी हुई है और पूरी श्रद्धा से निभाती है। शनिवार 28 सितंबर को इसकी बानगी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आयोजित गिरमिटिया महोत्सव 2024 में देखने को मिली। यह आयोजन गिरमिटिया फाउंडेशन और ICPR ने संयुक्त रूप से किया था। गिरमिटिया आज से लगभग 200 साल पहले बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती से विभिन्न देशों में ले जाए गए थे। बिहार और उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की लोक संस्कृति और परंपरा भी उनके साथ साथ उन देशों में गई जो आज परिवर्तित रूप में जीवित है, जिनमें से एक है बैठक गाना। बैठक गाना सुरिनाम के भारतीय समुदाय द्वारा उत्पन्न संगीत का एक रूप है, जिसमें भोजपुरी लोक गीतों में कैरिबियन धुनों को मिलाया गया है। बैठक गाना में बुनियादी रूप से 3 यंत्र होते हैं, हारमोनियम, ढोलक और धांतल। धातल पहनावे के लयबद्ध भाग के रूप में कार्य करता है। इसमें एक लंबी स्टील की छड़ होती है, जिस पर यू आकार के टुकड़े से मधुर संगीत निकालते हैं। बैठक गाना में पूर्वांचल की लोक संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट नजर आता है। गीत के साथ साथ मनोरंजन के उद्देश्य से नृत्य भी होता है, जिसे पुरुष स्त्री का वेश धारण कर करते हैं। यह पूर्वांचल के साथ ही गिरमिटिया देशों में भी काफी लोकप्रिय है। सुरिनाम से आए स्टीफन रविंदर की टीम ने बैठक गाना को प्रस्तुत किया। वहीं बिहार के आरा से आई पुनेश कुमार की टीम ने पूरबिया सम्राट महेंद्र मिश्र और भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की परंपरा पर आधारित मंचीय प्रस्तुति दी।
गिरमिटिया महोत्सव के इस एक दिवसीय आयोजन में गिरमिटिया की विरासत, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, गिरमिटिया संस्मरण, एक अनकहा इतिहास जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिस पर विद्वजनों ने अपनी राय रखी। हमारे परिवार का नाम है दाताराम पांडे, लेकिन लिखित में अयोध्या है, अयोध्या, वो ई उसमें भी नहीं है। सो ढूंढने में, खोजने में अलग नाम से ही ढूंढना पड़ेगा। सो दैट बिकेम बिकॉज ऑफ द इंग्लिश। फर्दरमोर द सर्कमस्टेंसेस मेंट दैट दे कुड नॉट मेंटेन मच ऑफ देयर ओन कल्चर एंड रिलीजन। इन 10 years देर वॉज अ लैक ऑफ पूजा पाठ, अ लैक ऑफ हवन संध्या, अ लैक ऑफ भाषण। सो व्हाट डिड दे डू? On the land, they sang, they shared what they know, and little pustak they have, but not many. So when the contract period ended, you must imagine, if you have nothing, then what will you bring aage? Where do you start? So this generation started to build homes, prepare the children for the country. प्रसंग ऐसा है कि श्री रामचंद्र युद्ध विजित कर चुके हैं, लक्ष्मण के साथ बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। लक्ष्मण के मन में तरह तरह के भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी उन विचारों को समझते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। लंका सोने की है, समस्त ऐश्वर्य से भरी हुई है, सारे संसाधन यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन वे कहते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि यह लंका सोने की है, लेकिन लक्ष्मण मुझे बिल्कुल रुचिकर प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मुझे लगता है जब गिरमिटिया लोगों के जीवन की गाथा हम पढ़ते हैं तो उनको रामायण ने बड़ा संबल दिया। जैसे श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उस वनवास को काट करके वो अपनी जन्मभूमि पर पुनः लौटे, प्रतिष्ठित हुए, ऐसे ही जब 5 वर्ष का एग्रीमेंट करके गिरमिटिया मजदूर ले जाए गए तो उनके मन में भी भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहीं न कहीं चल रहा था। उनको भी लग रहा था कि जब हमारे भगवान का वनवास कटा तो हमारा भी वनवास कभी न कभी कटेगा, कभी न कभी हम भी लौट करके उस भूमि तक पहुँचेंगे। और इसीलिए वो अपने साथ जो रामचरितमानस की गुटिका ले गए थे उसका पाठ करते थे और उस पाठ के माध्यम से अपने जीवन को सुगम और सरल बनाने का प्रबंध किया करते थे। कार्यक्रम के समापन सत्र में फिजी के राजदूत जगन्नाथ स्वामी, सुरीनाम के राजदूत अरुण कुमार हरदिन सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। कुछ कहने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ गिरमिट में उन लोगों के लिए जो अपने मातृभूमि छोड़कर जब फिजी की ओर रवाना हुआ तो उनको तो ये नहीं मालूम था कि कब कैसे हम वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन रास्ते में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मंजिल नहीं पहुँचा, और ऐसे भी लोग थे जो वहाँ पर पहुँचकर भी धरती पर, फिजी की धरती पर अपना पैर नहीं रख पाए। तो उन लोगों के लिए ये हम सब पर बनता है कि हम उनको आज याद करें। और फिजी में हम एक प्रिया करते हैं जो हम यूनिवर्सल प्रिया बोलते हैं, तो उसको मैं कहूँगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्यो यो न प्रचोदया
ओम शांति शांति शांति। ये मैं इसलिए याद करता हूँ क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत निकट है, जो गिरमिट प्रथा है। और फिजी में अगर भारतीय समाज आज अपने जगह पर है, अगर बुलंद है, जो जिस तरह से प्रगति हासिल किया है, वो इन लोगों की कुर्बानी है, इन लोगों की देन है, इन लोगों की स्ट्रगल्स है, इन लोगों की कोशिश है, जिसके ज़रिए से शायद फिजी देश आज वो देश है जो जहाँ पर वो आज उपस्थित है। तो इसीलिए इन लोगों को हमें नहीं भूलना चाहिए। द टर्म गिरमिटजा स्टेम्स फ्रॉम द वर्ल्ड अग्रीमेंट रेफरिंग टू द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट आवर एंसेस्टर्स साइंड ऑफ्टन अंडर ड्यूरेस और थ्रू डिसेप्शन लीडिंग देम टू डिस्टेंट लैंड फार फ्रॉम देयर मदरलैंड। This journey began in mid-19th century, following the abolition of slavery as colonial powers sought replacement labor for their plantations. And High Commissioner of Fiji has explained that for Fiji. Men and women from India, lured by the promise of a better life, found themselves in places like the Caribbean, Fiji, Mauritius, and even in South Africa. In the Caribbean, particularly in countries like Guyana and Suriname, these indentured laborers laid the foundation for a vibrant multicultural society. Despite the grueling conditions and the severe hardships they faced, they preserved their rich cultural heritage, languages, and traditions. They celebrated their festivals, sang their Bhojpuri songs, and performed their dances, keeping the essence of India alive in their hearts. Ladies and gentlemen, Suriname is a testament to this resilience and stands as a beacon of a multicultural harmony. The Indian community has not only survived the colonial period, but thrived, contributing significantly to the nation's cultural mosaic. From the melodies of the Bhojpuri songs to the rhythms of the traditional dances like Kathak, Bharatanatyam, Londa Ke Nach, and many more, the Indian culture is deeply interwoven into the fabric of the Suriname society. This preservation of culture is a testament to the strength and unity of the Indian diaspora. Events like today's Gyirmitja Mahotsav are commendable. They provide a platform to highlight the voyage, the struggle, and the endurance of our ancestors. They remind us of the sacrifices made and the legacy left behind. These gatherings foster a sense of pride and identity, bridging the past with the present, ensuring that the stories of our ancestors are passed down to future generations. In this spirit of remembrance and celebration, I call for a greater unity among the Indian community. It is essential for us to spread awareness about this shared history. गिरमिटिया वंशी अपने देश में भारतीय संस्कृति, पर्व त्योहार, रहन सहन, खान पान को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। गिरमिटिया महोत्सव 2024 का यह आयोजन गिरमिटिया वंशियों द्वारा अपने पूर्वजों को याद करने का एक सुंदर अवसर था। संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं लद्दाख के पारंपरिक नृत्य स्पाओ के साथ। स्पाओ नृत्य लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। स्पाओ
प्रसिद्ध योद्धा लिंग्यालम केसर से जुड़ा है। लिंग्यालम केसर लद्दाख के लोकप्रिय लोक कथाओं का एक योद्धा है। लद्दाखी भाषा में इस पाव का अर्थ योद्धा होता है। इस नृत्य में नर्तक तलवार, तरकश और धनुष बाण जैसे हथियारों के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य युद्ध कला के कौशल पर आधारित है। ऐसी मान्यता है कि यह नृत्य मध्य एशिया में प्रचलित महाभारत महाकाव्य पर आधारित है और वाचन परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। इस नृत्य के अनेक संस्करण हैं जो मंगोलिया से लेकर तिब्बत और लद्दाख तक देखे जा सकते हैं। के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।